भाजप लोकसभेमध्ये जे अपयश भेटलंय त्याच्यामुळे सामाजिक काय करते असं वाटतंय का? काय करताय? नंतर आरटीची स्थापना करण्यात आली आहे, करू द्या ना, करू द्या ना, पाहू ना आम्ही, त्यांना काय हवंय ते करू द्या. पॉलिटिकल बयान दिया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बीजेपी वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य को और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे उनके सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य को इस तरह से पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए. अगर राजनेता शंकराचार्य जी कल मुंबई में थे, दो दिन पहले बाद में काशी में गए, वाराणसी में शंकराचार्य जी को अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये सवाल पूछा गया उस बारे में, तो उनका बहुत सटीक सवाल है. शंकराचार्य जी ने कहा अगर राजनेता हमारे धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं वो बंद करिए, हम भी राजनीतिक बयान देने बंद करेंगे. करेक्ट. और शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में विश्वासघात को कोई स्थान नहीं है. अगर हिंदू धर्म के नाम पर कोई विश्वासघात करता है और उसके ऊपर बात करना, ये राजनीति नहीं है. शाह अपयशी गृहमंत्री मोदींनी राजीनामा द्यायला घ्यायला हवा असं राऊतांनी टीका केलेली आहे. शहा राजकारणामध्ये व्यस्त आहेत, देशाचे दुश्मन मात्र मोकाट आहेत अशा शब्दात राऊतांनी टीका केली आहे. अमित शहा राजकीय विरोधकांना दुश्मन मानतात.